पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की नज़र अब दिल्ली पर है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद इसके लिए लगातार मेहनत कर रही हैं, साथ ही वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हौसला देने का काम कर रही हैं। 2 मई को बंगाल में इतिहास रचने के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने अपना पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर डाल दिया है और पूरे जज्बे के साथ टीएमसी पार्टी के विस्तार में लग गए हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिक को उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से दावतनामा आया है कि वहां आकर टीएमसी को लीड करें और सक्रिय भूमिका निभाकर कार्यकर्ताओं में जज्बे को पैदा करें और टीएमसी की विस्तार में अहम रोल अदा करें। आपका चैनल के माध्यम से आपका चैनल का शुक्र अदा करता हूँ कि आप इस बात तक अवाम में पहुँचाने के लिए रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर राजीव रंजन गोपाल चौधरी, जो वहाँ का सीतामढ़ी का प्रेसिडेंट है, वो हमको लेटर दिए हैं। ये लेटर, इस लेटर में मुझे बिहार का बुलावा, दावत मिला है पार्टी के काम करने के लिए। जी देखिए, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के वर्कर है, जरूर सिपाही हूँ मैं, एक तृणमूल कांग्रेस का डेडिकेटेड वर्कर हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे पार्टी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाए, और बिहार के ताल्लुक है तो सबों ने देखा है नीतीश कुमार ने किस तरह से बिहार वासियों को धोखा दिया। आज नीतीश सरकार, वहाँ पर एक नाम सुने होंगे आप लोग बिहार में, राजीव रंजन नहीं, वो यादव आज बिहार में इतना अच्छा काम करते थे, जो नीतीश सरकार उनका काम देख के घबरा गया, पूरा बखला गया कि अब लग रहा बिहार में पप्पू यादव का जलवा आ गया। जो भी टीएमसी के लोग कहीं अच्छा काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी उस पर टारगेट करते हैं, काम करने में बाधा देते हैं। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि बिहार के लोग का आँख खुल गया है, तृणमूल कांग्रेस के बिहार में नीतीश कुमार का सरकार अब गिरने वाली है। भाजपा के साथ जो गठबंधन करके सरकार चला रही थी वो सरकार निकम्मा सरकार है, और आज जो हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का बुलावा है वहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में तृणमूल कांग्रेस काम करेगी, और दीदी इस बार दिल्ली भी जा रही हैं, और 10 लाख रुपया का हम लोग जैसे पूरे बंगाल में स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए दिया गया, तो मैं चाहूँगा बिहार के लोग भी तृणमूल कांग्रेस के साथ रहें। हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो हम लोग भी वहाँ पर 10 लाख स्टूडेंट को पढ़ने के लिए ये करेंगे, 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस देंगे, स्वास्थ्य साथी कार्ड करेंगे, बहुत सारा जो बंगाल में हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं वो बिहार यूपी में भी होगा। बीजेपी का सरकार अब कहीं नहीं बनेगी, बीजेपी सरकार झूठ बोल के सरकार में आई थी। बीजेपी सरकार सबसे पहले वर्ड बोला था कि तेल का महंगाई, कांग्रेस का जमाना था, तेल बहुत दाम हो गया है, 40 रुपये लीटर था तो उनको ज़्यादा लग रहा था, और 100 रुपया के ऊपर तेल पेट्रोल है, डीजल है, सरसों तेल 200 रुपया का ऊपर है, गैस 1000 रुपया का ऊपर है। तो बीजेपी सरकार अब पूरे हिंदुस्तान से सफाचट होने वाली है, और हमारी पार्टी हर जगह मूव कर रही है। आने वाले दिन में जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, बिहार के लोग के साथ हम लोग हैं, बिहार के लोग हम लोग के साथ हैं, यूपी के लोग भी हम लोग के साथ हैं, यूपी के लोग के साथ हम लोग हैं। हमारी पार्टी अब हर जगह काम करने चालू कर दी है, दिल्ली में दीदी भी जा रही हैं, आने वाले दिन में दीदी नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़ने होगा और दीदी उस गद्दी पे बैठेंगी। चालू हो गया है, वो आके मेरे घर में पत्थर फेंकेगा तो हम लोग तो पत्थर नहीं फेंकेंगे, हम लोग जाके इंसान को दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत से, हम अपने मोहब्बत का जलवा दिखा के पूरे यूपी में बिहार में रंग ला देंगे, खेला हो पे सही में खेला होगा। सफाया है, एकदम सफाया है। 2024 में बीजेपी की सरकार खत्म हो रही है, टीएमसी की गवर्नमेंट बनेगी वहाँ भी। अरे भाई देखिए, 1 से 18 होता है, 18 से 36 होता है, 36 से 72 होता है,
तो आज हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं तो लोग बैनर नहीं देख रहे, काम देख रहे हैं। तो इस काम के बिना पे आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान के लोग दीदी के साथ हैं। आप जितने भी बड़े नेता हैं, लीडर हैं, दीदी को सब सम्मान करते हैं और सब लोग अपने यहाँ दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि दीदी आप ही एक हैं। अधीर रंजन चौधरी ऐसा लीडर बोल रहा है कि दीदी नरेंद्र मोदी का अपनी सोराते पार्वन। तो इसी तरह जितना बड़ा दिग्गज नेता है सब दीदी का तरफ मूव करके है कि दीदी एक ऐसा रूप है जो ये हिंदुस्तान का बदलाव लाएगा। मैं डॉक्टर राजीव रंजन से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लड़ाई जारी रखिए और पश्चिम बंगाल के एक एक लोग आपके साथ हैं लड़ाई में लड़ने के लिए। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस जीपे एंड फोन पे 9831060581।